जो हैंडीकैप पेंशनें बंद कर दी, आज स्टूडेंटों का बुरा हाल है, आज इस किस्म के कानून लागू कर दिए हमारे जम्मू के ऊपर कि जम्मू के लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। इसलिए हम सब लोगों ने इंटायर अपोजिशन ने जो फैसला किया कि हम इनके खिलाफ आज प्रोटेस्ट करेंगे, पैदल प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी डिमांड ये है जो ओल्ड एज पेंशन है वो वापस हो और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो वापस हो, ओल्ड एज पेंशन जैसे पहले लोगों को मिलनी थी वैसे दी जाए। आज एक जो फार्म निकाला है वो गलत है, वो उस फार्म पे राशन कार्ड चेंज हो रहा है ना कि पेंशन दी जा रही है। जी क्या कहेंगे आज जो प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है, हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं जो पेंशन ओल्ड एज विडो पेंशन बंद कर दी। कल राजेंद्र शर्मा मेयर जी का एक बयान आता है कि यहाँ पे कॉर्पोरेटर के घर जाएं, वहाँ से उनका फॉर्म लीजिए और फॉर्म फिल कीजिए, आपकी पेंशन लग जाएगी, मगर सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, जम्मू की जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, कश्मीर में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे, क्यों जम्मू की जनता पे अत्याचार किया जा रहा है। हम एलजी प्रशासन को जगाने के लिए आज ढोल बजाए हैं कि एलजी सरकार जागो, ये आपके लिए ढोल बज रहे हैं, मेयर साहब जागो, ये आपके लिए ढोल बज रहे हैं। आज यूपी में पेंशन बंद करके बताए, दिल्ली में पेंशन करके बंद करके बताए, आज यूपी से आए हैं आप एलजी साहब, यूपी से आए हैं और यूपी में पेंशन बंद करके बताए, आप जम्मू की जनता पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू पे लग रहा है। खिलाफ बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम यही चाहते हैं, जम्मू की जनता से अपील करते हैं आपके माध्यम से, आप सब एक हो जाएं, एक मंच पे आए, हम सब मिलके ये ओल्ड एज पेंशन विडो पेंशन फिर लागू करेंगे। मगर जो मेयर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, एलजी प्रशासन ने ये जम्मू की जनता पे अत्याचार किया है, हम उनके खिलाफ है। हम एक बार फिर से एलजी साहब से कहते हैं, और यूपी से आए हैं और यूपी में पेंशन बंद करके बताएं, फिर हम आपको माने, सिर्फ जम्मू की जनता पे अत्याचार।